में भी आपको समय पे नहीं मिलते। हम कोई अनपढ़ गवार नहीं है, हमने हमें फाइनल कर रखी। राजस्थान में विश्व रिकॉर्ड होगा कि 15 दिनों से भूख हड़ताल पर महिला बैठी है। एक घंटे लिए फुटपाथ पर छोड़ के अपना परिवार छोड़ के आप जा सकते हो। पुलिस प्रशासन है तो उसको लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी तानाशाही अपना रोब झांपने के लिए नहीं लगाया जाता है। सरकार को हमारी बात सुननी होगी, हम कोई गलत नहीं कह रहे हैं। हमें इतने चाहिए जिन बहनों को हटाया उन्हें बहाल करके वापस लगाया जाए और हम पे झूठा आरोप मत लगाइए। हमने कोई सड़कों पे कुर्सियां वगैरह कुछ नहीं तोड़ी थी और हमारी बहनों का क्या है? एक ही तो मांग थी कि परमानेंट करो। क्या गलत कर दिया? 2018 का वादा याद दिलाया था। ये कोई गलत नहीं है, कोई नाइंसाफी नहीं है। 15 दिनों से आप अंदर बुलाते हो, 2-4 महीने जाती है, आप उस पर कुछ विचार विमर्श करते हो, कुछ नहीं करते हो। हमने क्या कहा, यहाँ आइए, हमसे वार्तालाप कीजिए और हमारा वादा है कि आपसे कोई बात नहीं, हमारे सक्षम 5 महिला ही आपसे बात शांतिपूर्वक करेंगे। लेकिन जो भी अधिकारी अंदर बैठे हैं, आप अपनी बच्ची को या अपनी महिला को एक घंटे लिए फुटपाथ पर छोड़ के अपना परिवार छोड़ के आप जा सकते हो? जा सकते हो? कोई नहीं जाएगा। अगर हमारे घर से किसी की गाय भैंस घूमती है ना, तब भी उसकी परवाह करते हैं कि मेरी गाय भैंस घूम गई तो ये तो इंसान है, जीवित महिला है, 15 दिनों से भूखी बैठी है, ये अनशन पे बैठी है। राजस्थान में विश्व रिकॉर्ड होगा कि 15 दिनों से भूख हड़ताल पर महिला बैठी है। हमारा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि 18 महीनों को बहाल करके लगाया जाए। और डीडी साहब से इतनी विनती है कि माना कि हमें छोटी बहन या बड़ी बहन जो भी समझ के हमारी बातों को थोड़ा दिल पे लीजिए। दिमाग में हर किसी के षड्यंत्र चल सकता है लेकिन दिल सदैव सच्चाई कहेगा। और मैं उस सच्चाई के तौर पे एक ही शब्द कहना चाहती हूँ कि नारी शक्ति का आप सम्मान कीजिए। अपने परिवार से आप किसी को भी सड़क पे नहीं छोड़ सकते। ये 15 दिनों से इतनी तपती गर्मी में ऐसी बारिश में वो बाहर बैठी है, आप जरा हमारे बारे में सोचिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमसे बाहर आके बात कीजिए। हमारी एक ही मांग है, पहले दिन को 18 बहनों को जो हटाया निष्कास किया उनको वापस लगाया जाए, उनको वापस लगाया जाए। ज्ञापन देने के लिए अंदर नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारे 15 दिनों से अंदर जा रहे हैं और उसको टेबल पे रख रहे हैं और कुछ विचार विमर्श नहीं हो रहा है। टेबल पर कॉपी लगी होगी हमारे? अरे टेबल पे रखने से तो ऐसे हम भी बुक से रखते हैं, कॉपियां रजिस्टर हमारी भी। और हम कोई अनपढ़ गवार नहीं है, हमने एमए फाइनल कर रखी है, बीए बीएड एमए एलएबी सब एजुकेशन महिला हैं, कोई अनपढ़ गवार नहीं। और जो अनपढ़ उसके लिए भी मैं सम्मान जनक उसके लिए शाबाशी देती हूँ, वो ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्टर सब कम्प्लीट करती है, इतना काम करते हैं। और आप एक हमारा हमारा रोज का रूटीन काम देखिए, सुबह उठकर हम अपने बच्चों को छोड़ के गांव के बच्चों को संभालते, पूरे गांव की संख्या को संभालते और सरकार के आंकड़े निकाल के वो भी वास्तविक सही आंकड़े निकाल के देते हैं। इतना मेहनत पर काम करते, एक महिला रोबोट की तरह काम करती है। और मैं अपना कहती हूँ, मैं आंगनबाड़ी जाती हूँ, सुबह खाना नहीं खाती हूँ, मैं दिन में एक टाइम 3 बजे खाना खाती हूँ क्योंकि हमें भूख नहीं लगती। हमें सरकार से इतनी ही बात है कि 2400 घंटा जो हम काम कर रहे हैं, आप हमारे बारे में सोचिए समझिए और अपने घर से अपने परिवार महिलाओं के बारे में सोचिए। अगर आप अपनी बहू बेटी बच्ची को सड़क में नहीं छोड़ सकते कि 15 दिनों से फुटपाथ में पड़ी है, उनके बारे में आप सोचिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बाहर आके बात कीजिए और हम यहाँ से धरना तब तक नहीं हटाएंगे। 15 दिन वहाँ तो बैठे रहे हैं, तो अब यहाँ बैठने में हमें कोई एतराज नहीं है। धन्यवाद। सर हमारा धरना 15 दिन से चल रहा है, 10 तारीख से, और हमारी मांग ये है कि जो हमारी 18 बहनों को मानदेय सेवा से पृथक किया गया है उनको बहाल किया जाए और जो हमारे डीडी सर हैं उनको यहाँ से ट्रांसफर करके अन्य जिले में स्थानांतरित किया जाए। सर हम 15 दिन से ज्ञापन अंदर ही जाके दे रहे, आज दिन तक हमारे ज्ञापन पे क्या कार्यवाही हुई, क्या एक्शन लिया, हमें कुछ नहीं बताया गया। आज हम बहनों ने नीचे कर रखा है, 15 दिन से हमारी बहनें भूखी प्यासी हॉस्पिटल में एडमिट है और कोई हमारी सूद लेने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कलेक्टर सर बाहर आए और हमें बताए कि 15 दिनों में इन्होंने हमारे लिए क्या किया, उसको ही हम हमारी सभी बहनें जानना चाहती है। वो कलेक्टर सर के मुंह से जानना चाहती है कि भाई बहनों हमने आपके लिए ये किया है और आप जो कुछ भी वो कहना चाहे, हमें धीरज बंधाए या हमें कहे कि आप धरना जारी रखो या धरना उठाओ, उन्होंने जो कुछ भी किया है या एक्शन ली है नहीं ली है कुछ भी किया है वो हमें बताए, बाहर आके हमारी सभी बहनों को बताए,
ना कि जो 5 बहने हमेशा अंदर जाती है ज्ञापन दे के बाहर आ जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञापन का ये लोग क्या करते हैं, कूड़ेदान में डालते हैं या कुछ एक्शन लेते हैं, उसकी जानकारी हमें तुरंत दी जाए, इसीलिए हम अंदर नहीं जा रही है। हजार में भी आपको समय पे नहीं मिलते, वो तो देने चाहिए ना आपको, और वो भी कहा 100 बार मैसेज करते, एक बार रिप्लाई नहीं करता है, कोई अधिकारी रिप्लाई नहीं करता। अगर कोई अधिकारी पद पे है तो उसे उसका पद सरकार की सुविधा के लिए लगाया जाता है, जनता की सुविधा के लिए। कोई पुलिस प्रशासन है तो उसको लोगों की सुरक्षा के लिए, अपनी तानाशाही अपना रोब झांपने के लिए नहीं लगाया जाता है, अपने इस्तेमाल अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया आपको पद। और हम सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो हमारे